तो आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10 में सेटिंग्स में जाके, और हमारे पास जो सेटिंग्स आज की हैं वो हमारे पास है प्राइवेसी सेटिंग्स के हवाले से। तो प्राइवेसी सेटिंग्स क्या होती हैं, जब हम विंडोज की कुछ प्राइवेसीज को डिस्कस कर रहे होते हैं तो उसको हम प्राइवेसी सेटिंग्स पर देख रहे होते हैं कि जैसे प्राइवेसी में आ रहा है जर्नल, स्पीच, इंकिंग एंड टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन, डायग्नोस्टिक्स एंड फीडबैक्स एंड एक्सेस हिस्ट्री। क्या होता है कि जब हमने अपना विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम नया इंस्टॉल करते हैं तो उसमें हमारे पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं। लिमिटेशन इस तरीके से होती है, कुछ ऑप्शंस इसके ओपनड होते हैं और ऑप्शंस को हमने अपने हिसाब से ऑन या ऑफ करना होता है। बाय डिफॉल्ट विंडोज जब हम इंस्टॉल करते हैं तो सारे फीचर्स इसके ऑन होते हैं। अब वो सारे फीचर्स जो ऑन हैं माइट बी के वो हमारे लिए इतने यूजेबल ना हो और वो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे और हमारे कंप्यूटर पे ओवरलोड करें, हैंग करें और स्पेस और हमारे कंप्यूटर की मेमोरी और हार्ड डिस्क को ज़्यादा कंज्यूम करें। तो ऐसे ऑप्शंस को जब हम यूज़ ही नहीं करते तो हम अपनी हिसाब से उसको ऑफ या ऑन कर सकते हैं, और इसी ऑफ या ऑन करने को हम प्राइवेसी सेटिंग में जाके इसको डिस्कस कर सकते हैं। दरवाज़ा खुला। तो यहाँ से जनरल पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए अब ये सारी सर्विसेज ऑफ की हुई है। ये सारी सर्विसेज क्या है, जिसमें सजेशन आपको अगर ये ऑन रखेंगे तो ये आपको एप्स के बारे में सजेशन देगा विंडोज 10। अगर आप इसको रखेंगे तो ये आपकी एप्स को ट्रैक करेगा, उसके रिजल्ट्स को ट्रैक करेगा। वेबसाइट्स पर आपको उससे रिलेटेड कुछ, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ कंटेंट दिखाएगा। अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपको एप्स के ऊपर एडवर्टाइज वगैरह यहाँ पे शो करेगा आपकी आईडी के ऊपर। ये सारे फीचर्स बाय डिफॉल्ट इस तरह से ऑन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जब हम इन फीचर्स को यूज़ ही नहीं करना चाहते और हमारा इससे कोई काम नहीं है तो वाई नॉट कि हम इसको ऑफ कर दें और हम अपना टाइम और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और अपने पीसी को थोड़ा ओवरलोड होने से बचा ले। इसके बाद बैक करते हैं यहाँ पे स्पीच के ऊपर। अब स्पीच रिकॉग्निशन का एक सॉफ्टवेयर है जिसमें आप जो बोलेंगे विंडोज वो परफॉर्म करेगा, जो हमने कल डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इतना खास काम नहीं कर रहा। अब बाय डिफॉल्ट ये ऑन होता है तो व्हाई नॉट के जब हम इसको यूज ही नहीं करते कि इसको ऑफ कर दें। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके फिर आ जाते हैं इंकिंग एंड टाइपिंग के ऊपर। अब इंकिंग एंड टाइपिंग क्या होता है, जैसे जैसे हम आपने देखा होगा मोबाइल के ऊपर मैसेजेस वगैरह टाइप करते हैं तो उस मैसेजेस टाइप करने में खुद ही सजेशन दे रहा होता है वो। जैसे हमने लिखा हेलो तो आगे लिखा था हेलो हाउ आर यू वगैरह इस तरह के, तो हम क्लिक करते जाते हैं वो लेता जाता है। तो ये फीचर भी इसके अंदर दिया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि ये फीचर काम ना करे तो आप इसको भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ ये यूज़ करता हूँ तो ठीक है, काम कर रहा है। एक्टिविटी हिस्ट्री इधर चेक लगा हुआ होता है और ये ऑन होता है। जो भी आप अपनी इस आईडी को जो मैंने अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है एक्टिविटी कर रहे होते हैं, एक्टिविटी का मतलब आपने वेबसाइट देखी, वेबसाइट्स पे गए, कंप्यूटर पे कुछ फाइल्स वगैरह को एक्सेस किया या इंटरनेट पे कोई आईडीज वगैरह आपने अपनी कहीं पे कनेक्ट करी, तो वो सारी एक्टिविटी हमारे डिवाइस के ऊपर स्टोर हो रही होती है, मतलब एक फाइल के अंदर स्टोर हो रही होती है। अब हम चाहते हैं कि हमारी एक्टिविटीज स्टोर ना हो तो हम इसको ऑफ कर सकते हैं, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारी एक्टिविटीज को शो ना करें तो इसको भी यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। दोनों फीचर्स हम कर सकते हैं, और जितनी एक्टिविटीज स्टोर हो चुकी हैं उनको क्लियर करा के अपने स्पेस को भी हम यहाँ से बचा सकते हैं। बैकस्पेस करेंगे और यहाँ से क्लिक करके लोकेशन पे क्लिक करेंगे। लोकेशन हम अपनी डिवाइस की यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं जब हम इंटरनेट पे कनेक्टेड हैं, जैसे हम अपने मोबाइल की लोकेशन को ऑन ऑफ कर रहे होते हैं तो ये यहाँ से की जा सकती है। इसके बाद यहाँ से क्लिक करके कैमरा की ऐप है। फॉर एग्जाम्पल आपका एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है और उसके अंदर कैमरा लगा हुआ ही नहीं है, तो जब कैमरा है ही नहीं तो कैमरे की ऐप को एक्टिव रखने का फायदा क्या। हाँ, आपका कोई यूज करते हैं जो कैमरे की ऐप यहाँ पे मौजूद है तो आप क्लिक करेंगे तो आपका कैमरा इस तरह से एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपको इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यूज ही नहीं करता हूँ और मेरा मेरे डेस्कटॉप कंप्यूटर में कैमरा ही नहीं है तो वाई नॉट कि इसको भी ऑफ कर दिया जाए यहाँ से। सिमिलरली कैमरे के अलावा हमारे पास माइक्रोफोन की ऐप है, इसको भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ से क्लिक करके अगर आपके यूज में नहीं है, और वॉइस एक्टिवेशन है उसको यूज नहीं करते तो उसको भी ऑफ कर ले। और इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा नोटिफिकेशंस की ऐप्स है हमारे पास। हाँ, अब नोटिफिकेशन भी सारे ऑन होते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में विंडोज 10 आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखाता रहेगा। अब जब हम नोटिफिकेशन को एक्सेस ही नहीं करते और हम चाहते ही नहीं कि हमें डिस्टर्ब करे तो यहाँ से नोटिफिकेशंस को भी आप ऑफ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ से क्लिक करके कॉन्टैक्ट की ऐप कौन सी होती है, जैसे मोबाइल के अंदर कॉन्टैक्ट हमारे सेव होते हैं तो विंडोज 10 भी एक इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो स्मार्टफोन पे फोन पर इंस्टॉल किया जा सकता है। तो अगर हम उसकी कॉन्टैक्ट्स को यूज नहीं करते तो हम उसकी भी ऐप को यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करके कॉन्टैक्ट के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है कैलेंडर का, तो कैलेंडर की ऐप को भी अगर हम यूज नहीं करते तो उसको भी हम यहाँ से इजिली ऑफ कर सकते हैं। और कैलेंडर के बाद हमारे पास फोन कॉल्स अगर हम नहीं करते अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम से तो उसको भी यहाँ से हम ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम कॉल हिस्ट्री को देखें, जब हम कॉल ही नहीं कर रहे तो हिस्ट्री का ही मेंटेन करें तो उसको भी ऑफ कर सकते हैं यहाँ से, और इसकी हिस्ट्री को भी चेंज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे यहाँ से कैलेंडर के बाद फोन कॉल्स के बाद कॉल हिस्ट्री के बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है
ईमेल सर्विस, जैसे हम अपने पास जीमेल की आईडी लगा लेते हैं मोबाइल पे दिखा रहा होता है, अगर आप इसकी वो सर्विस यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो उसको भी यहाँ से आप ऑफ कर सकते हैं। और फिर आपके पास आती है बैकग्राउंड एप्स, तो यानी कि मैसेजिंग सर्विस आती है, टास्क की सर्विस आती है। मैंने सारी एप्स को ऑफ कर रखा है क्योंकि हम अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर या लैपटॉप कंप्यूटर में इनको यूज नहीं कर रहे। रेडियो की सर्विस है उसको भी यूज नहीं कर रहे, तो उसको भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। देख रहे हैं आपके विंडोज 10 में कितनी सर्विसेज हैं, आपको पता ही नहीं था, और वो सारी आपके लैपटॉप में रन हो रही होती है, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर में रन हो रही होती है। अब जब रन हो रही है, हम यूज ही नहीं कर रहे, तो उससे हमारा लैपटॉप का क्या होगा, बर्डन बढ़ जाता है और फिर वो हैंग करना शुरू हो जाता है और वो अपडेट होना शुरू हो जाता है, जिससे हमारा विंडोज 10 बहुत ज्यादा हैंगिंग का शिकार रहता है। इन सर्विसेज को ऑफ करके उसको आप लाइट वेट कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलें बैकग्राउंड ऐप। अब बैकग्राउंड में देखिए कितनी सारी एप्स चल रही होती है जिनको हम यूज ही नहीं करते, ये चल रही होती है यहाँ पे, तो इनको भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं ताकि हम अपने विंडोज 10 को ईजी रख सकें, लाइट रख सकें। उसके बाद यहाँ पे चलें, यहाँ पे आ जाते हैं ऐप डायग्नोस्टिक। अब ऐप डायग्नोस्टिक में दो सेटिंग्स होती हैं। अब इसको भी अगर ऐप डायग्नोस्टिक में हम चाह रहे हैं कि यार ये हमारी डायग्नोस्टिक सेटिंग्स को आगे ट्रांसफर करें या ना करें, मैं कह रहा हूँ ये भी ना करें, तो उसको भी हम यहाँ से इजीली ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद ऐप डायग्नोस्टिक के बाद हमारे पास ऑप्शन है ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड का। ऑटोमेटिक फाइल डाउनलोड क्या होता है कि अगर आपके कंप्यूटर में आप फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं कि भाई वो ऑटोमेटिक डाउनलोड करें, तो ये वैसे सेटिंग्स अलाउ ही रखते हैं ताकि वो डाउनलोड करता रहे। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस के शॉर्टकट्स जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे होते हैं, देखें अगर मैं इनको यूज करता हूँ, डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर के शॉर्टकट्स, और ये मेरे एक्सेस में रहे, ऐप्स को एक्सेस करें, तो ये देखें मैंने इनको ऑन किया हुआ है ताकि जो भी ऐप मैं अपने विंडोज 10 में इंस्टॉल करूँ वो मेरे डॉक्यूमेंट, म्यूजिक और पिक्चर्स के फोल्डर को एक्सेस कर सके। अक्सर आप कोई भी ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो आपसे एक्सेस मांगता है, कॉन्टैक्ट का एक्सेस, पिक्चर्स का एक्सेस, इसको तो एक्सेस आपने देना है, तो इनको ऑन रखना है। अगर आप चाहते हैं कोई ऐप इनको एक्सेस ना करे, मेरा डेटा सिक्योर है, तो इनको भी यहाँ से ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए यहाँ पे फाइल सिस्टम के ऊपर। फाइल सिस्टम तो ऑन ही रहने दें क्योंकि ये इसका विंडोज का खुद का सिस्टम काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए विंडोज 10 को आप कितने हद तक मॉडिफाई कर सकते हैं और मॉडिफाई करने के बाद आप उसको कितने हद तक लाइट वेट बना सकते हैं। देखिए विंडोज 10 को बनाया गया स्मार्टफोन और डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर के लिए, अब इसलिए इसमें सारे फीचर ऑन कर देते हैं। अब वो तो हम डिसाइड करेंगे ना सीख के कि कौन से फीचर हमें चाहिए, कौन से फीचर नहीं चाहिए। तो ये मैंने आपको आज डिस्कस करके बताया कि जो फीचर आपको नहीं चाहिए उनको इजिली यहाँ से ऑफ कर दे। ठीक है,